Good morning all of you. In this class we will continue exercise 6.5. Let's start. Question 24. So that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of base. राइट सर्कुलर कौन है जिसका आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. फॉर गिवन वॉल्यूम जो कवर्ड सरफेस एरिया वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. तो उसके लिए जो हाइट है कौन की वो क्या होनी चाहिए, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस. बेस ये हो गया सेंटर ओ, ये रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन और ये वाली वैल्यू हाइट, हाइट ऑफ कोन और दिस इज लेंथ हाइट, दिस इज लेंथ हाइट ऑफ कोन ओ ए बी, ओ ए बी. फॉर गिवन वॉल्यूम, फॉर गिवन वॉल्यूम लिस्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर विच एच इज इक्वल टू रूट टू आर. क्या प्रूव करना है, फॉर गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इस कोन का, वॉल्यूम लेट आर एच एंड एल बी द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन and h be the height and l be the slant height of slant height of right circular cone, right circular cone. then its volume kya hoga, volume cone ka volume kya hoga, 1 by 3 pi r square h. तो यहां से हाइट फाइंड करें तो h इज इक्वल टू क्या होगा, 3v upon pi r square. h इज इक्वल टू 3v upon pi r square. क्या बोला इसने कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या होना चाहिए, लिस्ट and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base. Lateral surface area of cone kya hoga, lateral surface area pi r l. is lateral surface area ko kya karna hai, minimize karna hai. In right angle triangle AOB, तो यहां से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, L square is equal to R square plus H square. S is equal to pi R और L की वैल्यू L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल की वैल्यू पुट करें यहां पे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, और एच की वैल्यू क्या है, टी वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो एच की वैल्यू पुट कर दो इसमें, एस इज इक्वल टू पाई आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो जब एच स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9v² upon pi² r^4. ये किसकी वैल्यू होगी, एच स्क्वायर की वैल्यू, 9v² upon pi² r^4. ये जो एच स्क्वायर की वैल्यू है कहां पुट करेंगे, यहां पे, तो 9v² upon
पाई स्क्वायर आर की पावर फोर, पाई स्क्वायर आर की पावर फोर, पाई स्क्वायर आर की पावर फोर क्या लेंगे एलसीएम, तो पाई आर, पाई आर एलसीएम क्या होगा पाई स्क्वायर आर की पावर फोर, पाई स्क्वायर आर की पावर फोर एलसीएम, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स, पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स प्लस नाइन बी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू पाई आर, पाई स्क्वायर आर की पावर फोर आउटसाइड क्या आएगा पाई आर स्क्वायर अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स प्लस नाइन बी स्क्वायर, इसको आउटसाइड लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल आउट और एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू वन बाई आर और अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स प्लस नाइन बी स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो स्केयरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर की पावर सिक्स प्लस नाइन बी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करूं वन बाई आर स्क्वायर को, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर फोर, पाई स्क्वायर आर की पावर फोर प्लस नाइन बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब इस एस के यहां पे लेटरल सरफेस एरिया इसको क्या करना है मिनिमाइज, तो क्या करेंगे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो एस एस का डिफरेंशिएशन टू एस और एस का आर के रेस्पेक्ट में डीएस अपॉन डी आर, डीएस अपॉन डी आर, पाइस के कॉन्स्टेंट और आर के पास फोर का फोर आर क्यूब, तो फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस नाइन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट आउटसाइड, नाइन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट और वन अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी आर, वन अपॉन आर स्क्वायर तो डी अपॉन डी आर, आर की पावर माइनस टू, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो माइनस टू आर की पावर माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री, तो माइनस टू अपॉन आर क्यूब, तो वन अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस टू अपॉन आर क्यूब, तो टू एस डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस एटीन वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहां पे 2s और एक ds अपॉन dr, तो 2s आउटसाइड ds अपॉन dr का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में क्या होगा d2s dr2, d2s dr2 प्लस ds अपॉन dr आउटसाइड, ds अपॉन dr आउटसाइड और 2s इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 2s का r के रेस्पेक्ट में ds अपॉन dr इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आउटसाइड और आर क्यूब का क्या होगा थ्री आर स्क्वायर फोर पाई कितना होगा ट्वेल्व पाई स्क्वायर आर स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर आउटसाइड और आर क्यूब का थ्री आर स्क्वायर
तो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 18 वी स्क्वायर आउटसाइड, और इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर क्यूब का, 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब, क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस 3 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर थोड़ी ना होगा माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, तो माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, तो 2s d2s अपॉन dr2 प्लस 2 ds अपॉन dr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 354 v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4. एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अब जो क्राउड सरफेस एरिया है उसको क्या करना है, मिनिमाइज फॉर मिनिमम लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो ds अपॉन dr क्या करेंगे जीरो इक्वल, ds अपॉन dr इज इक्वल टू जीरो, तो ds अपॉन dr इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाली पूरी वैल्यू जीरो, टू एस डी एस अपॉन डी आर, एस तो जीरो हो नहीं सकता, और डी एस अपॉन डी आर को जब जीरो करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू वो क्या होगी जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू यहां से डी एस अपॉन डी आर जीरो इज इक्वल टू फोर पाई आर क्यूब, फोर पाई स्क्वेयर आर क्यूब माइनस 18 वी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, फोर यहां क्या कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन, टू पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 9 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टू जीरो में, तो यहां से टू पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं आर क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आर की पावर 6 हो जाएगा, आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 3 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर, 9 वी स्क्वायर, तो यहां से आर की पावर 6 इसकी वैल्यू क्या होगी 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, आर स्क्वायर इज आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये क्या एक्सट्रीम वैल्यू, अब इस एक्सट्रीम वैल्यू पे क्या चेक करेंगे डी टू एस डी आर टू का साइन चेक करेंगे, व्हेन आर पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू कहां से आ रही है, जब आर की पावर 6 की वैल्यू क्या हो 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो देन ds अपॉन dr क्या होगा जीरो होगा, ds अपॉन dr जीरो, भाई जब आपने ds अपॉन dr को जीरो के इक्वल किया तभी तो ये वाली वैल्यू मिल रही है, आर पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, अब देखो यहां पे इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई आप अब क्या चेक करेंगे जो एक्सट्रीम वैल्यू है उस पे डी टू एस डी आर टू का साइन चेक करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर स्क्वायर आर आर पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो इसके लिए डी एस अपॉन डी आर क्या होगा जीरो, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर,
तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो आर बाय सिक्स इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्पेस पे क्या चेक करेंगे, डी टू एस डी आर टू का साइन, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 0, डी एस अपॉन डी आर क्या होगा 0 होगा, तो 2s डी टू एस डी आर टू, 2s डी टू एस डी आर टू, ये वाली वैल्यू 0, जो डी एस अपॉन डी आर का जो स्क्वायर होता क्या होता है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 वी स्क्वायर अपॉन आर पावर 4 वी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव वैल्यू, जब आप आर की वैल्यू फाइंड करोगे यहां से आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। जब आप आर की वैल्यू में पुट करोगे, इसमें जब आर की वैल्यू पुट करेंगे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, साइन क्या आएगा मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे आर का 2 है तो पॉजिटिव स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमेशा, और आर का 4 आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये भी क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और बाकी सारी वैल्यू क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो वैल्यू क्या होगी डी टू एस अपॉन डी आर टू की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स एक आर पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर डी टू एस डी आर टू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो गया मिनिमम। सर मस्कान को ज्वाइन कर, तो यहां से देखो ये जो वैल्यू है आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, इस पे जो डी टू एस डी आर टू इसका साइन क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, साइन क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा इस वैल्यू पे डी टू एस अपॉन डी आर टू का साइन क्या रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तो सीएसए ऑफ कोन बी मिनिमम, सीएसए ऑफ कोन बी मिनिमम। अब अपने क्या प्रूव करना है कि एच इज इक्वल टू रूट टू आर, एच इज इक्वल टू रूट टू आर, तो ये जो वैल्यू है आर पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, यहां से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइड 9, ये किसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 9। और यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से क्या फाइंड करें वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9, ये वाली वैल्यू मिलेगी वी स्क्वायर की, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9, तो ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या थी वी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9, तो ये जो वी की वैल्यू कहां पे पुट की है, यहां पुट की है वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से
पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से देखो क्या रिमेनिंग रहा, एच स्क्वायर और ए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की पावर 4 और यहाँ पे आर की पावर 6, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, आर की पावर 2, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या होगी, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर, ये प्रूव करना था कि जो एल्टीट्यूड है वो क्या होगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस, जिसके लिए जो कवर सरफेस एरिया वो क्या होगा, मिनिमम होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम मुस्कान, दीपक, गुंजन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 एंड 25 बोथ आर सिमिलर, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। दिस इज राइट सर्कुलर कोन ए ओ बी, दिस इज रेडियस और दिस इज हाइट और दिस इज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, तो यहां पे एल स्लैंट हाइट है, एच हाइट ऑफ कोन और आर क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, तो यहां सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है थीटा, ये क्या, सेमी वर्टिकल एंगल, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर आर प्लस एल, एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या पाई आर इंटू आर प्लस एल, तो एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो यहां से देखो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां से देखो एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एस इज इक्वल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर किया नेगेटिव, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर, और एल की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस पाई आर को कहां भेजें, डिवाइड में, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डिवाइड कर दो इसको एस अपॉन पाई आर, एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस माइनस टू एस अपॉन पाई आर इंटू आर, और जब इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा रूट हटेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एस स्क्वायर अपॉन पाई आर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एस अपॉन पाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और यहां से एच की वैल्यू क्या होगी एच इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एस अपॉन पाई। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? और वॉल्यूम क्या होगा इसका, कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, v इज इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, v इज इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, तो v इज इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू h इज इक्वल टू एस एस अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एस अपॉन पाई। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई नाइन पाई स्क्वायर आर की पावर फोर, ये रूट हट जाएगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एस अपॉन पाई, टू एस अपॉन पाई। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ना सर। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसमें, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई नाइन पाई स्क्वायर आर की पावर फोर, और इसमें एलसीएम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम, तो एस स्क्वायर माइनस, तो यहां पे क्या आएगा टू एस, टू एस पाई आर स्क्वायर, टू एस पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, याद है प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई नाइन पाई स्क्वायर आर बाय फोर इंटू एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और आर बाय फोर बाई आर बाय टू, तो यहां पे टू पावर कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई नाइन आर स्क्वायर, वन बाई नाइन आर स्क्वायर इंटू में एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, टू एस पाई आर स्क्वायर। इस वन बाई नाइन आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली आर स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई वन बाई नाइन आउट साइड आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर बाय फोर। प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ना सर। अब इस वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज, इस वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वी, और वी का डी बी अपॉन डी आर, वन बाई नाइन आउटसाइड एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट
और आर स्क्वायर का 2r और 2r एस स्क्वायर माइनस 2s पाई कांस्टेंट आउटसाइड और आर का 4 का 4r क्यूब तो 8 s पाई r क्यूब 4 मैक्सिमम वॉल्यूम डीबी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो तो डीबी अपॉन डी आर जब जीरो करेंगे तो वाली वैल्यू जीरो लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू टू कॉमन टू और क्या कॉमन आ रहा है आर कॉमन आ रहा है टू आर एस कॉमन बाई 9 और यहां पे क्या रिमेनिंग रहेगा एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू जब जीरो के इक्वल है तो यहां से क्या जीरो होगा एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 4 पाई एनी प्रॉब्लम इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई का एक्सट्रीम वैल्यू है अब क्या करेंगे इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर तो 2v और इनटू डीवी अपॉन डीआर क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल तो 2v आउटसाइड इस डीवी अपॉन डीआर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में डी2v अपॉन डीआर 2 प्लस डीवी अपॉन डीआर आउटसाइड और 2v तो 2v का क्या हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में डीवी अपॉन 2 इंटू डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/9 आउटसाइड अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है तो 2s स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट है आउटसाइड और आर का क्या हो जाएगा 1 तो 2s स्क्वायर माइनस 8s पाई कांस्टेंट तो आउटसाइड और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर तो कितना हो जाएगा माइनस 24 एस पाई आर स्क्वायर एनी प्रॉब्लम ना सर इट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई इट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई देन जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई होगा तो उसके लिए डीबी अपॉन डी आर क्या होगा जीरो होगा देन डीबी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई कहां से आया डीबी अपॉन डी आर से तो निकला है तो इट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई पे डीबी अपॉन डी आर क्या होगा जीरो होगा तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2v d2v अपॉन dr2 ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी जीरो डीबी अपॉन डी आर क्या है जीरो ये वाली वैल्यू पे चेक करें ना अपने आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई तो 2v d2v dr2 इट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई ये वाली वैल्यू का जीरो इज इक्वल टू 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 एस पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट पाई से पाई कैंसिल आउट 6 टाइम तो 2s स्क्वायर माइनस 6s इंटू एस तो 6s स्क्वायर
सिक्स एस स्क्वेयर, तो वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू एस स्क्वेयर माइनस सिक्स एस स्क्वेयर, माइनस का फोर एस स्क्वेयर, तो माइनस फोर एस स्क्वेयर अपॉन नाइन, माइनस फोर एस स्क्वेयर अपॉन नाइन, तो वैल्यू लेस देन जीरो, एस तो क्या है गिवन सरफेस एरिया है, तो ये तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो माइनस का फोर बाय नाइन, तो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, इसमें जो डी टू वी डी आर टू साइन क्या रहा है लेस देन जीरो, एट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई डी टू वी डी आर टू लेस देन जीरो, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, तो इस वैल्यू पे वॉल्यूम क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, अब अपने को क्या प्रूव करना है, जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए साइन इनवर्स वन बाई थ्री, तो यहां से जब साइन की वैल्यू फाइंड करें साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन एल, आर अपॉन एल, तो आर की वैल्यू अपने पास एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल इज इक्वल टू क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसमें जब आप क्या पुट करें आर की वैल्यू पुट करें तो किसकी वैल्यू मिलेगी एच, इन राइटिंग अ ट्रायंगल, इन राइटिंग अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी जो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर अपॉन एल, आर अपॉन एल, आर और एल की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां से क्या फाइंड करेंगे एल की वैल्यू फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू के लिए अपने क्या चाहिए हाइट चाहिए पहले, तो एच इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एस, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू एस अपॉन पाई, माइनस टू एस अपॉन पाई, ये जो आर की वैल्यू है आर की वैल्यू क्या फाइंड की अपने आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, इसमें पुट करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, एस अपॉन फोर पाई, तो s अपॉन फोर पाई माइनस टू एस अपॉन पाई, टू एस अपॉन पाई, तो h इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल आउट और एक s कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट फोर एस अपॉन पाई माइनस टू एस अपॉन पाई, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू एस अपॉन पाई, एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू एस अपॉन पाई, तो यहां से एच इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट टू और अंडर रूट एस अपॉन पाई, एस अपॉन पाई, एनी प्रॉब्लम, देखो यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन पाई, ये होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन पाई, यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, अब देखो जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है आर स्क्वायर इज इक्वल टू
एस अपॉन फोर पाई, एस अपॉन फोर पाई। तो यहां से क्या करें, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एस अपॉन पाई। तो क्या करें भाई, अपने को क्या बनाना है, फोर पाई, तो फोर से मल्टीप्लाई, फोर से डिवाइड। अब देखो यहां पे ये जो वैल्यू है एस अपॉन फोर पाई, एस अपॉन फोर पाई किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर इक्वल होगा। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू टू इंटू फोर एट, और ये कितना जाएगा आर स्क्वेयर, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एट आर स्क्वेयर। यहां तो प्रॉब्लम है किसी को, और वी नो दैट एल स्क्वेयर इज इक्वल टू इन राइट हैंड ट्रायंगल एओबी से एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो यहां से एच स्क्वेयर वैल्यू पुट कर दो यहां पे, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एट आर स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय नाइन, और आर बाई एल अंडर वन बाई नाइन, इट मीन्स वन बाई थ्री। आर अपॉन एल की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई थ्री। और साइन थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, आर बाई एल इसका मतलब वन बाई थ्री, वन बाई थ्री। और थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स वन बाई थ्री। ये अपने प्रूव करना है, जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या होगा, साइन इनवर्स वन बाई, साइन इनवर्स वन बाई थ्री। एनी प्रॉब्लम? ना सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 और 26 है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मुस्कान, गुंजन, दीपक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।